अस्सलाम वालेकुम। आज मुमताज रेसिपी में मुमताज किचन में क्या बन रहा है? आज मैं बना रही हूँ तुरई चना दाल। ये बहुत ही अच्छी बनती है, खाने में भी लजीज होती है और इसके तमाम इंग्रेडिएंट्स घर में ही होते हैं। इसके लिए सिर्फ आपको इतना है कि चने की दाल को 1 घंटा पहले आपने भिगा कर रख देना है। और ये तुरई जो है चिकनी वाली तुरई होती है ना, ये वो तुरई है। इसको मैंने खुरच दी हूँ, खुरच कर हमने इस तरीके से धोकर कट कर दी हूँ। तकरीबन 1/4 किलो मैंने तुरई ली हूँ। आज 2 मीडियम प्याज है, पतली स्लाइस में की हुई। 100 ग्राम के करीब चने की दाल है जिसे मैंने 1 घंटा पहले पानी में धोकर भिगा दी थी। नमक हसबे जायका, हल्दी 1/4 चम्मच, आधा चम्मच लाल मिर्च, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर है, 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और 1 से 1.5 चम्मच हरी मिर्ची का पेस्ट, गरम मसाला 1/4। तेल गरम हो गया है, प्याज डालें। तेल आप तकरीबन 50 ग्राम के इतना डाल दें। ये नॉन स्टिक पैन है, इसमें आपको तेल ज्यादा ही मालूम होगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्याज को हमने हल्का सा सुनहरी कलर ले, प्याज का कलर थोड़ा सुनहरी हो गया है। अभी इसमें हम ये तमाम मसाले डाल देंगे। अगर आपको इसको सिर्फ हरे मसाले से बनाना है तो भी बना सकते हैं, लाल मिर्ची आप ना डालें। हो गया ये थोड़ा मसाला भून कर, अब इसमें हम चने की दाल डाल देंगे। ये बहुत ही अच्छी और मज़े की बनती है, खाने में ये बहुत ही स्वादिष्ट होती है। एक बार आप इसे ज़रूर बनाएं। हमारी भाजी जब भी बनाएं उसमें मसाला जो है तो ज़्यादा मत भरे, उससे जो तरकारी के विटामिन होते हैं या उसकी जो लज्जत होती है वो थोड़ी कम होती है। अभी इसमें तकरीबन 1/2 गिलास पानी डाल के चने की दाल को गलने के लिए छोड़ दें। इसको ढक्कन लगा के चने की दाल गलने तक 5-7 मिनट के लिए ढक्कन लगा के आप इसे रख दें। चने की दाल शायद थोड़ी गल गई होगी। अब इसमें हम जो तुरई धो के रखे थे इसमें कट करके, अगर आपको इसको थोड़ा सा और बड़े पीस में काटना है तो आप काट सकते हैं। तुरई का पानी थोड़ा सा छूटेगा, चने की दाल और अच्छे से गल जाएगी। थोड़ा सा इसमें पानी डाल दें, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। तुरई चेक करेंगे हम थोड़ा। हाँ, माशाल्लाह गलने आ गई है, थोड़ी सी कसर है। इसको थोड़ी देर और भून के हम उतार लेंगे। थोड़ा सा पानी है, इसे हमें अच्छे से सुखा के भूनना है। चने की दाल भी माशाल्लाह अच्छे से गल गई है, कलर भी तरकारी का आप देखें माशाल्लाह कितना अच्छा आ रहा है। इसे आप इसे अच्छे से थोड़ा भून लें। तुरई चना दाल तैयार है। आप इसे कोथमीर से, धनिया के पत्ते से हल्के से गार्निश कर लें। आज की रेसिपी चना तुरई चना दाल आपको कैसी लगी कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले इसलिए आप ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। अल्लाह हाफिज़।